नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। काफी ज्यादा मेल आ रहे हैं स्पेशली फॉर रिवाइज्ड कटअप, क्योंकि उनका ये कहना है यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कुछ बातें नहीं की जा रही हैं रिवाइज्ड कटअप के बारे में, और इसके लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप 100% जो देख रहे हैं, आप MDS अगर अपीयर हुए हैं, आपकी मार्क्स कम हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। रीजन ये होता है कि हर किसी के बारे में नहीं पता होता। तो आप सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे पहले आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ईजिली इस वीडियो तक पहुंच पाए, उनको समझ में आ पाए रिवाइज कटअप होता है और करना क्या होता है रिवाइज कटअप में। देखिए, MDS में अभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब जो लोग क्वालिफाई नहीं किए, कुछ नंबर से वो रह गए या चूक गए ड्यू टू सम रीजन, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए थे इन टाइम में, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। मतलब अभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मान एक मैं लेके चलता हूं 250 प्लस है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो उनका 250 से कम मार्क्स है। किसी का 210 है, किसी का 208 है, किसी का 190 है, किसी का 180 है, किसी का 160 है, किसी का 152 है, किसी का 150 मार्क्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये लोग क्या है कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो होता यह है कि जब सेकेंड काउंसलिंग खत्म होता है ऑल इंडिया का, तो 50% सीट्स खाली रह जाते हैं। जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड फिनिश होगा, तो 50% सीट्स खाली रह जाएंगे डेंटल कॉलेजेस के। तो वो लोग क्या करते हैं, सरकार से या फिर आप कहिए एक एसोसिएशन से, DCI से, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कट ऑफ को लेस कर दो, नीचे कर दो, और नीचे कर दो, मतलब कट ऑफ को रिवाइज कर दो। तो वो लोग क्या करते हैं, कट ऑफ को रिवाइज कर देते हैं। जैसे पिछले साल जो है कट ऑफ जो थी 152 पे चली गई थी, 152 मार्क्स, और वो फिर यूनिफॉर्म कट ऑफ हो जाता है कुछ दिनों बाद। मतलब आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो 152 या फिर 160 पे आ जाएगा, जो अभी 240 या 250 है वो 160-170 पे आ जाएगा। अब आप क्वालिफाई कर गए एंड नाउ यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो कॉलेजेस में सीट खाली रह गई है उसी के लिए आपकी काउंसलिंग होगी। कभी कभी स्टेट काउंसलिंग होती है इसके लिए, कभी कभी नहीं होती है, बट डायरेक्टली आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं इन रैंक के साथ। जैसे आपका रिवाइज कटअप आएगा आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं कॉलेजेस। अब बात आती है आपके बजट का, कि आपका बजट कितना है, कितना पैसे दे सकते हैं किस कॉलेज के लिए। देखिए, बजट की बात करें तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का मार्क्स 190 है और उनको OS की सीट चाहिए रिवाइज कटअप में, मिल जाएगा आपको OS की सीट। लेकिन फिर आपको डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, आप कहां से BDS किए। अब इतने सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे पास है नहीं आपके, तो मैं लाइव वीडियो में आप या तो मुझसे पूछ लीजिए या तो आप 1-to-1 में आ जाइए और फिनिश कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जिनके भी मार्क्स 190 हैं, 180 है, 200 के आसपास है, आप वेट मत कीजिए रिवाइज कटअप आने का। क्या रिवाइज कटअप आने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे 1-to-1 टॉक लेना है सर से और फिर हम डिसाइड कर लेंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। क्योंकि अभी से वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, आप एक फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, या 3-4 कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप बात करके रखते हैं उस कॉलेज से, तभी रिवाइज कॉलेज में आपको कट ऑफ पे आपको मार्क्स मिलता है। जब रिवाइज कट ऑफ आता है दैट टाइम तक वो सीट सेल आउट हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उस सीट पे बात कर ली होती है कॉलेज से, क्या मुझे ये सीट चाहिए। बट फिर मैं एक बात कहूंगा, टोकन मनी नहीं देना है आपको, सिर्फ कॉलेज से बात कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कॉल किया, आपसे मेरी बात हुई, मैंने आपसे पूछा आपका रैंक ये है 190 है, अब आपने मुझे बताया कि 190 मार्क्स है, आपको OS चाहिए सपोज कीजिए, तो मैं आपको 3-4 कॉलेज बता पाऊंगा आपके बजट के हिसाब से। अगर आपका 10 लाख बजट है तो उसके हिसाब से मैं कॉलेज बता दूंगा, आपका 20 लाख बजट है उसके हिसाब से मैं कॉलेज बता दूंगा, 30 लाख बजट है उसके हिसाब से मैं आपको कॉलेज बता दूंगा। तो होप आपको ये चीज समझ में आएगा पहले कि रिवाइज कट ऑफ होता क्या है। जब कॉलेज के सीट फुल नहीं होते हैं तो कट ऑफ लेस हो जाता है, उसी को रिवाइज कट ऑफ कहते हैं। तो आई थिंक अब सबका क्लियर हो गया होगा रिवाइज कटअप कहते किसको। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिवाइज कटअप जो है आप उसके लिए जा सकते हैं इजिली, आपका रैंक कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आपका 100 मार्क्स हुआ तब तो दिक्कत हो जाएगा ना सर, लेकिन आपका 170 मार्क्स है, 180 मार्क्स है, 190 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रिवाइज कटअप में। मैं गारंटी लेता हूं अप टू 160 मार्क्स भी जिसका होगा वो रिवाइज कटअप में इजिली आ जाएगा विदाउट एनी टेंशन। लास्ट ईयर तो 152 वालों को भी हुआ है, बट फिर भी एक आप अगर सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो 160 प्लस जिसका भी है आप निश्चिंत होकर बैठिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस कॉलेज फिक्स कर लीजिए एक बार, क्योंकि अगर कॉलेज फिक्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी।
उसमें फिर आप भागी दौड़ी में बहुत ज्यादा पैसे पे करेंगे कॉलेज को और फिर भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि आप पहले कॉलेज फिक्स कर लें, बजट फिक्स कर लें, स्टेट फिक्स कर लें, ये सब मायने रखेगा रिवाइज कटअप में। स्पेशली अगर आपने बीडीएस सपोज जिस स्टेट से किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा उसी स्टेट में रह जाइए, वो थोड़ा इजी होगा आपके लिए रिवाइज कटअप के बाद भी। और एक बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोग कर रहे थे कि सर वन टू वन कैसे करते हैं, तो वन टू वन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मैंने लिंक दे दिया इंस्टाग्राम का अपना, वीडियो में डाल दिया हूं मैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और आप रिवाइज कटअप के बारे में बिल्कुल जान सकते हैं। लेकिन आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं अभी, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ ये सही जानकारी है और ये सब तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि हर किसी तक ये चीज पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।